नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में गणित के पांच अंग वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि 17 फरवरी को मैथ का एग्जाम होने जा रहा है। देखिए इसमें नोट में लिखे हैं, आपके परीक्षा में गणित के आठ पांच अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें आपको चार प्रश्नों का उत्तर देना है। आठ प्रश्न पूछे जाएंगे पाँच अंग वाले और उसमें चार का ही उत्तर देना है। ठीक, सबसे पहले देखिए रचना से संबंधित कौन कौन प्रश्न पूछे जाएंगे इसको पहले देख लीजिए। देखिए प्रथम सवाल है, 7.6 cm लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 में विभाजित कर देना है और दोनों भागों को मापिए। चलिए इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, अपनी कॉपी में इस सवाल को उतार कर बनाइए। देखिए दूसरे सवाल की ओर चलिए, 5 cm, 6 cm और 7 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। इसको भी एक बार आप बनाइए, सिर्फ आपको रिवाइज के लिए दिए हैं। ठीक, ऐसे तो आप लोग पहले बना ही लिए होंगे और आपसे ये सब सवाल बन भी जाएगा, तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए ताकि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा बन सके। अगला सवाल है, 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 cm दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयों मापिए। ठीक, ये भी बन जाएगा, ये वृत्त से संबंधित सवाल है। देखिए अगला रचना करना है आपको, 5 cm त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएँ खींचिए जो परस्पर 60° के कोण पर झुकी हो। ये प्यारे साथियों, जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे 2016 में तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप लोग इसको भी एक बार बना लीजिए, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। देखिए अगला सवाल है, 3.5 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, अर्थात एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। यह निश्चित रूप से सवाल पूछा ही जाएगा, फर्स्ट रे सेकेंड सेटिंग रे, एकदम बिल्कुल रूप से पूछेगा। अगला देखिए, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से भी पूछा जाता है। देखिए प्रथम सवाल है, इसमें मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है सिद्ध करें या ज्ञात करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक, ऐसे 9.1 का ये सवाल है, इसे आप लोग पहले पढ़ ही लिए हैं, तो एक बार फिर से बना लीजिए ताकि आपका रिवाइज हो सके और एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। चलिए अगला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45° और 60° है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक बार इसको भी बना लीजिए। अगला सवाल है, अंधे आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके आधार और इसके साथ 30° का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी एक बार बना लीजिए। अगला सवाल है, 7 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60° है और उसके पाद का अवनमन कोण 45° है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको एक बार कॉपी पर उतारिए और इसको बनाइए ताकि सवाल बनते जाए एग्जाम में। अगला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45° है, तो मीनार की ऊँचाई ज्ञात करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60° है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए अगला सवाल है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60° है, चिमनी की ऊँचाई ज्ञात करें। यह भी कई बार सवाल पूछा है, इसको एक बार बना लीजिएगा। अगला देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का
उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही यह सब सवाल इम्पोर्टेंट है। देखिए भिन्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखो क्या क्या है, क्योंकि इससे भी पूछे जाते हैं, भिन्न से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसमें देखिए, पहला है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है, यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, भिन्न ज्ञात करें। बिल्कुल यह फर्स्ट या सेकंड सेटिंग में रह सकता है, यह बहुत ही आसान है। अगले सवाल की ओर चलिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है वह भिन्न ज्ञात करें। ये 2 सवाल महत्वपूर्ण लिए हैं, इसी टाइप के पूछे जाएंगे। अगर इससे कोई दूसरा भी सवाल रहेगा सिर्फ अंक डिजिट करेगा, लेकिन टाइप यही रहेगा पूछने का। चलिए अब क्षेत्रमिति से, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह भी इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको आप बना लीजिए। अगला सवाल देखिए, पानी पीने वाला एक गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो गिलास की धारिता अर्थात आयतन ज्ञात करें। यह सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा, बिल्कुल आप लोग एक बार बना लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर, आप लोग कमेंट कर रहे थे ज़्यादा कि त्रिभुज से संबंधित बताइए कौन कौन प्रश्न आएंगे, तो एक बार देख लीजिए त्रिभुज से संबंधित कौन कौन प्रश्न पूछा जाएगा। त्रिभुज से जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपको प्रमेय ही पूछे जाते हैं। देखिए प्रमेय आपको कौन पूछेगा, पहला है सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएँ 1 अनुपात में विभाजित हो जाती है, यह है थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, हम पहले ही वीडियो इसका बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा है, सिद्ध करें कि ac² = ab² + bc² या पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। यह भी सवाल हमने बता चुके हैं, तो आप एक बार ज़रूर बनाइए। अगर अभी भी आपसे नहीं बनते हैं तो एक बार ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अगला सवाल, सिद्ध करें कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले टाइप की ओर, 5 अंक वाले में जो पूछा जाएगा वृत्त से संबंधित कौन कौन प्रश्न रहेगा, इसमें देखिए प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। निश्चित रूप से इन दोनों प्रमेय में एगो रहेगा ही, फर्स्ट रे या सेकंड सेटिंग रे। देखिए पहला है, इसमें वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, सिद्ध करें। यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, यह भी कई बार पूछा है। देखिए दूसरा है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, सिद्ध करें। बहुत ही ईजी है, हम इसका वीडियो कुछ देर बाद डालेंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, ठीक। अगला देखिए सवाल, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, इसको एक बार बना लीजिए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को जो दिक्कत होता है ग्राफ से, देखिए ग्राफ में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स और वाई का 2 निर्देशांक निकालना है, उसके बाद उसका उस ग्राफ खींच देना है और जो कटान करेगा जहाँ पर एक दूसरे को, वही जो है हल होगा उस समीकरण का, ठीक। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ऐसे तो आप लोग पहले बना ही लिए होंगे, अगर अभी भी नहीं बनाए हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो आपको डाल दूँगा, ठीक। चलिए इसमें पहला जो है, देखिए इन्हीं तीनों में से कोई सवाल रह सकता है ग्राफ खींचने के लिए, अगर यह तीनों नहीं भी रहेगा, अगर दूसरा भी रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा,
बिल्कुल जैसे आप बनाए हैं उसी तरह बना देना है। ठीक, देखिए एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो है और दूसरा समीकरण है थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर बीस। ठीक, इसको एक बार बनाइए। दूसरा है एक्स प्लस थ्री वाई बराबर छः कॉमा टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर बारह, इसको एक बार बनाइए। उसके बाद है वाई बराबर टू एक्स माइनस टू कॉमा वाई बराबर फोर एक्स माइनस फोर। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला है पांच पेंसिल तथा सात कलमों का कुल मूल्य पचास रुपया है, जबकि सात पेंसिल तथा पांच कलमों का कुल मूल्य छियालीस रुपया है, तो एक पेंसिल का कुल मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, ये सारे हम टाइप पाँच अंक वाले बता चुके हैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।